व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 103 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग युवा पे अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। तो सब लोग पूछते हैं लूफी को, लूफी तुमको एस ने क्या दिया था? जो लूफी है वो कहता है कि उसने मुझे बस एक खाली पेज दिया है, एक पेपर दिया है। तो जो सांजी है वो कहता है कि मुझे देखने दे। तो सांजी लेता है और लेने के बाद कहता है कि ये तो सच में एक खाली पेपर है, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। और तभी एक हवा का झोंका आता है और जो लूफी का जो पेपर है वो उड़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो ऊँट है उसके मुँह के पास चला जाता है तो वो खाने लगता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी मार के उस पेपर को उसके मुंह से बाहर निकाल लेता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो नामी है वो लूफी के सामने आती है और कहती है कि तुम्हारा हैट मुझे दो। जो लूफी है वो कहता है कि क्यों चाहिए? जो नामी है वो कहती है कि ये जो पेपर है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको सिल दूंगा तुम्हारे टोपी के रिबन के साथ, तो ये कभी तुमसे खोएगा नहीं। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ हाँ सही दिमाग लगाया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके टोपी के जो रिबन है उसके साथ नामी उसको सिल देती है और लूफी बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और कहता है कि अब तो मुझे इसे खोने का भी डर नहीं रहेगा। तो जो जोरो है वो कहता है कि इसको साथ में रखने का क्या फ़ायदा है, इस पेपर पे तो कुछ लिखा भी नहीं है। जो लूफी है वो कहता है कि एस ने कहा है रखने का तो रखने का, और वो ये बात बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। जो सांजी है वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो लेकिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस का कोई भी बेस नहीं है। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि देखो सब लोग सामने जो पत्थर है उन पत्थर को क्रॉस करने के बाद ही हम लोग युवा पे पहुंच जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है और जल्दी जल्दी उन पत्थरों की तरफ जा रहा है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर जीरो और मिस ऑल संडे को देखते हैं। जो मिस्टर जीरो मतलब क्रोकोडाइल जो वारलॉर्ड है वो कहता है कि हमारा जो प्लान है वो दो दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है, जो ऑपरेशन है वो दो दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है, लेकिन क्या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरीके से तैयार है? जो मिस ऑल संडे है वो कहती है कि हाँ मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मिस्टर टू है वो मिस्टर थ्री को पकड़ नहीं पाया है, वो फेल हो गया है। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने 150 बिलियंस को खड़ा कर रखा है नानोहाना शहर पे, आपके ऑर्डर पे सब लोग चलना स्टार्ट कर देंगे। तो जो मिस्टर जीरो है वो कहता है कि तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि तो हमारे ऑफिशियल एजेंट का क्या हाल है? जो मिस ऑल संडे है वो कहती है कि मैंने सब लोगों को ऑर्डर दिया है, सब लोग आज रात 8 बजे स्पाइडर कैफे पे मिलने वाले हैं। तो जो मिस्टर जीरो है वो कहता है कि तो मेरा प्लान जो बिल्कुल ही फ्लॉलेस है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्पाइडर कैफे का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस कैफे का जो ओनर है उसका नाम है पोला, वो एक लड़की है, और वहाँ पर मिस्टर फोर और मिस्टर फोर का जो पार्टनर मिस मेरी क्रिसमस वो दोनों एंटर करते हैं। जो मिस मेरी क्रिसमस है वो बहुत ज़्यादा बात करता है और वो कहता है पोला को मेरे को एक हॉट ड्रिंक दो। तो पोला उसे एक हॉट ड्रिंक बना के देती है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर फोर है वो चाय पी रहा है, और तभी हम लोग बाहर आवाज़ सुनते हैं। सब लोग कहते हैं कि बाहर कौन गाना गा रहा है इतनी बेसुरी आवाज़ में। हम लोग देखते हैं कि बाहर मिस्टर टू और उसके लोग आए हैं, और मिस्टर टू जो है वहाँ पर डांस कर रहा है और डांस करते करते कैफ़े में एंट्री करता है। और उसके जो लोग हैं उन लोगों को कहता है सबॉर्डिनेट को, तुम लोग बाहर चले जाओ और अपना डांस प्रैक्टिस करो, मैं इस कैफ़े में रुकूंगा, हम लोगों का एक मीटिंग है। तो जो मिस्टर टू बॉन्ग क्ले है वो मिस्टर फोर और मिस मेरी क्रिसमस से मिलता है, लेकिन जो मिस मेरी क्रिसमस है वो मिस्टर टू को ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मिस्टर टू को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जो पोला है उसको पूछता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर वन भी यहाँ पर आ रहा है, मैंने कभी मिस्टर वन को देखा नहीं, क्या तुम्हें पता है जो मिस्टर वन है वो कैसा आदमी है? और जब वो बात कर रहा है हम लोग देखते हैं कि कैफ़े के बाहर कोई है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर थ्री है वहाँ पर वो बैठ के उन लोगों का बात सुन रहा है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग 8 बजे का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर टू है वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। और उसके बाद हम लोग उस कैफ़े के बाहर का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक हट्टा गट्टा बहुत ही ताकतवर आदमी आ रहा है और वो दो बंदों को मार के पकड़ के लेके आ रहा है। और उसके बाद हम लोग मिस्टर टू को देखते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर टू है वो गाना गा रहा है, वो कहता है कि मैं बोर हो गया, और ऐसे ही टट्टी गाना गाते हुए एक टट्टी डांस कर
करता है मिस्टर टू, और उसे देखने के बाद मेरे भी आँखों में दर्द कर रहा था। जो मिस्टर फोर है वो कहता है कि तुम्हारा डांस बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जो मिस मेरी क्रिसमस है वो कहती है कि तू अपना डांस बंद कर, मेरे आँखों में दर्द हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि जो मिस मेरी क्रिसमस है उसके साथ मिस्टर टू का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन जो कैफ़े का एक दरवाज़ा है उसे कोई तोड़ देता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो आदमी आता है वो मिस्टर वन है, और उसने मिस्टर टू के जो सबॉर्डिनेट है उन लोगों को बहुत ज़्यादा पीटा है। जो मिस्टर टू है वो कहता है कि तुमने उन लोगों के ऊपर हाथ क्यों उठाया। जो मिस्टर वन वो कहता है कि मुझे लगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, वो लोग इतने गर्मी में रेत के ऊपर डांस कर रहे हैं, तो उन लोगों को देख के तो पीटने का ही मन करता है ना। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर टू है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। जो मेरी क्रिसमस है वो कहती है कि नहीं, उसके ऊपर हमला मत करो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मिस्टर वन है, तुम उसे कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो मिस्टर टू का अटैक को डॉच कर जाता है, लेकिन मिस्टर वन जब अटैक करता है मिस्टर टू भी उसके अटैक को डॉच कर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर टू है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, एक भी अटैक मिस्टर वन का कनेक्ट नहीं होता, लेकिन जो मिस्टर टू है उसका एक अटैक मिस्टर वन पे कनेक्ट हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि उसका किक में ज़्यादा पावर नहीं होगा, लेकिन उसका किक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो कैफे का एक दीवार टूट के बाहर निकल जाता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मिस्टर टू लगता है तू मरना चाहता है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो उसके डेविल फ्रूट के पावर को यूज़ करने ही वाला होता है। बीच में पोला आ जाती है और कहती है कि बस करो मिस्टर वन, ये बहुत हुआ। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर फोर है उसने मिस्टर टू को पकड़ रखा है, और उन लोगों का फाइट ख़त्म नहीं होता। तो जो मिस्टर वन है वो कहता है कि मिस डबल फिंगर यहाँ से हट जाओ, मैं उस बंदे को मार ही डालूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि सब लोग चुप हो जाते हैं। जो पोला है वो अपना भेष बदल लेती है। हम लोग देखते हैं कि पोला एक्चुअली में पोला नहीं है, वो मिस डबल फिंगर है जो कि मिस्टर वन का पार्टनर है, और वो कहती है कि हमारे इस कैफे में एक लेटर आया है और हम लोगों को रेन बेस पे जाना पड़ेगा, जिसका एक और नाम है द सिटी ऑफ ड्रीम्स, और हम लोगों का वेट कर रहा है वहाँ पर कोई, हम लोगों का बॉस जिसका चेहरा भी हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। हम लोग देखते हैं कि ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों के होश उड़ जाता है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद जो मिस्टर जीरो है वो कहता है कि हमारे ऑफिशियल एजेंट कहाँ पर है। जो मिस ऑल संडे है वो कहती है कि मैंने बाउंची को भेजा है उन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए, हम लोग रेन बेस सिटी पे मिलने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने सारे ऑफिशियल एजेंट है सब लोग बाउंची खींचते हुए कैरेज ले आ रहा है, और उस कैरेज के अंदर है। तो जो मिस्टर टू है वो कहता है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था, जो कि पोला है जो कि स्पाइडर कैफे का ओनर है वही मिस डबल फिंगर है। तो जो मिस डबल फिंगर है वो कहती है कि मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं डबल फिंगर नहीं हूँ, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग लुफी के टीम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग युवा शहर के बहुत ज़्यादा करीब आ गए, उन लोगों को युवा शहर दिख भी रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि देखो वहाँ से किस तरह का आवाज़ आ रहा है। जो वीवी है वो कहती है कि नहीं, ये तो सैंडस्टॉर्म का आवाज़ है। हम लोग देखते हैं कि युवा शहर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सैंडस्टॉर्म आता है, लेकिन लुफी का टीम जो वीवी है वो लोग दूर खड़े होकर बस देख ही सकते हैं, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर के खिलाफ वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं कि जब वो सैंडस्टॉर्म ख़त्म होता है सब लोग सिटी में एंटर करते हैं, लेकिन जो सिटी है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, जो घर है जो दुकान है सब कुछ टूटा हुआ है, और जो सिटी है वो दिखने में एक डेड सिटी लग रहा है। जो जोरो है वो कहता है कि ये तो एरुमालू की तरह लग रहा है, लगता है ये सिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ पर ही नीचे एक बंदा खुदाई कर रहा है, और उस बंदे को देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जिंदा इंसान भी है। जो वहाँ पर एक ओल्ड आदमी खुदाई कर रहा है वो कहता है कि तुम लोग तो ट्रैवलर होंगे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा खाना और पानी नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो तो रेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि नहीं, हम लोग को रेस्ट नहीं करना, क्या आप लोग बता सकते हो कि रिवेल आर्मी कहाँ पर है। और रिवेल आर्मी का नाम सुनते ही वहाँ पर जो ओल्ड मैन है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो लुफी के ऊपर हमला करने लगता है और कहता है कि तुम लोग रिवेल आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो। हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो ओल्ड मैन है वो थोड़ा सा शांत होता है, और उसके बाद वो कहता है कि जो रिवेल आर्मी है वो बहुत दिन पहले यहाँ से चले गए, उन लोगों ने इस शहर को अबेंडन कर दिया है। और ये सुनने के बाद लुफी के टीम में जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो लुफी है वो कहता है कि हम लोग बिना खाना पानी के इतने दिन ट्रैवल करके यहाँ पर आए और रिवेल आर्मी यहाँ पर नहीं है। जो वीवी है वो भी चिल्ला के कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उन लोगों का रिएक्शन सुनने के बाद वहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है यही पहला सैंडस्टॉर्म है जिसने इस शहर को हिट किया है? नहीं, इस शहर पे 3 साल से एक बूंद बारिश भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और उस टाइम पे बहुत सारा सैंडस्टॉर्म भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, सैंडस्टॉर्म का हमला हो रहा है इस शहर पे, तो ये जो शहर है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे है।
तो जो रिबेल आर्मी था वो लोग अपने बेस को यहाँ पर बिना सप्लाई के कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन लोगों ने अपने बेस को यहाँ से हटा लिया है और वो लोग अभी कतोरिया टाउन पे है। और ये सुनने के बाद जो वीवी अबो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो लूफी अबो कहता है कि वीवी कतोरिया जो शहर है क्या आप वो हमारे बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है? तो जो वीवी अबो कहती है कि नहीं, वो तो नानोहाना के साइड का जो टाउन है, हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पर ही कतोरिया है। जो चौपर है वो कहता है कि अरे नहीं, कतोरिया शहर मैं तो वहाँ पर ही खो गया था। और उसके बाद वहाँ पर जो कैमेल है वो कहता है कि कतोरिया शहर मुझे तो पता है, वहाँ पर ही रिबेल आर्मी का बेस है, मैंने तो तभी तुमको उसके बेस से ही बचाया था। तो ये सुनने के बाद जो सांजी, लूफी और उसप है वो तीनों उस ऊंट को बहुत ज़्यादा मारता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो कैमेल है वो मार खाने के बाद कहता है कि हाँ क्या हुआ, तो उससे हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिर से उसको मारते हैं और उसको मारना कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो ओल्ड मैन खुदाई कर रहा था वो नीचे से धीरे धीरे ऊपर आता है और कहता है वीवी क्या तुम वीवी हो? और ये सुनने के बाद जो लूफी है वो सामने आता है और कहता है कि नहीं ओल्ड मैन, ये वीवी नहीं है, ये बिल्कुल भी प्रिंसेस वीवी नहीं है। जो जोरो है वो उसे मार के वहाँ से ले जाता है और कहता है कि तू ही सब लोगों को बता दे कि ये प्रिंसेस वीवी है। हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज़्यादा रोता है और रोते रोते वीवी के पास आता है और पकड़ के कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का कि तुम अभी तक जिंदा हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जो वीवी है वो समझ नहीं पाती कि ये ओल्ड मैन कौन है। तो वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? हाँ ऐसा हो ही सकता है क्योंकि मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और ये कहने के बाद जो वीवी है उसे अचानक से समझ में आ जाता है कि ये कौन है और वो कहती है कि तोतो क्या ये तुम हो? जो तोतो है वो वीवी के बचपन के लीडर का डैड का नाम था जो कि युवा शहर पर आया था युवा को नया रूप देने के लिए, लेकिन आज देखो वो यहाँ अकेले खुदाई कर रहा है, सब लोग इस शहर को छोड़ के चले गए, वो अपना जी जान लगा रहा है इसको बचाने के लिए। और वीवी को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो भी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों बहुत देर तक रोते रहते हैं और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद जो तोतो है वो कहता है कि मुझे मैजिस्टी के ऊपर पूरा भरोसा था, मुझे पता था कि वो अपने किंगडम को बिट्रे नहीं करेगा, मुझे वीवी तुम्हारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन जो कोजा है जो कि रिबेल आर्मी का लीडर है वो बहुत बड़ा एक नंबर का गधा है, मैंने बहुत बार उसे रोकने का कोशिश किया लेकिन वो रुक नहीं रहा, लेकिन उन लोगों का भी पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, वो लोग भी अपने लिमिट को हिट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का जो नेक्स्ट अटैक होगा वही उन लोगों का आखिरी अटैक होगा और मुझे लगता है कि वो लोग अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। प्लीज़ वीवी अगर उस गधे को कोई रोक सकता है वो तुम हो, प्लीज़ उसको रोक दो और हम सब लोगों को बचा लो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रिबेल आर्मी के लीडर कोजा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेपन लेके आता है एक बंदा और कोजा को कहता है कि हम लोगों ने बहुत सारा वेपन तो इकट्ठा किया है लेकिन ये भी काफी नहीं है। जो कोजा है वो कहता है कि हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम लोगों को किंग के सोल्जर के ऊपर अभी अटैक करना पड़ेगा और अगर हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा खुद के लाइफ को तो हम लोग करेंगे इस किंगडम के लिए, लेकिन इस कंट्री को अगर कोई बचा सकता है तो हम है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस वीवी को देखते हैं। जो वीवी है वो कोजा के डैड के पास जाके बैठती है और कहती है कि तोतो हम लोग इस रिबेलियन को रोकेंगे, हम लोग इन रिबेल आर्मी को रोकेंगे और हर हाल में हमारे किंगडम को बचाएंगे। और वो कहती है कि मैं कोजा को रोकूंगी और मैं उसको कोई भी क्रिमिनल एक्ट करने नहीं दूंगी। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।